राम राम सारे भाई है ना भाई, मैं जो तारा देशी पत्रकार पास आराम तरवाल और खड़े हैं आज उकराना मंडी में। हरियाणा की बात करा तो लोकसभा में 10 की 10 सीटा में कमल का फूल खिल लिया है और पहली बार कमल का फूल हरियाणा में खिला 10 सीटा में। बड़ी खुशी मना रहे हैं भाजपा है। और आज आपने उस शख्स से मिलाऊंगा जिसने लाल कृष्ण अडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम कराया है और उकलाना का विषम पितामह भी बोला जाओ भाजपा का। और आपने एक अंदर की बात बताऊंगा, पूरा देश प्रदेश में मोदी की लहर जिसमें कोई दोहरा नहीं, जो सीट जीती है भाजपा ने वो मोदी के कारण जीती है। लेकिन कड़ियां ऐसे शख्स भी हैं जिनकी अहम भूमिका इन सीटों जिताने में रही है। एक ईसाई शख्स हमारे साथ खड़ा है जिसकी हिसार और सिरसा लोकसभा सीट जिताने में बड़ी भूमिका रही है और सिरसा सीट के प्रभारी रहे हैं। इनका नाम है श्रीनिवास गोयल, चेयरमैन हरियाणा वेयरहाउस हाउसिंग कॉर्पोरेशन। बहुत बहुत स्वागत आपका जी। धन्यवाद। पहले तो गोयल साहब आपको बहुत बहुत बधाई जी, 10 की 10 सीट जीत ली आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जनता का करिश्मा है और मोदी जी का प्रभाव है, मोदी जी के कड़े से लोगों ने वोटा। गोयल साहब मैं सुना करता पहला उकलाना में आपने एक बीजेपी का भी संविधान में बोला करते भाई, मैं भी सोचा करता भी संविधान में किस तरह है, आप भी सोचते भी संविधान में क्यों बोल रहे हैं। यही पता लगे भाई जो लोकसभा की काउंटिंग होगी, उकलाना है ना इनैलो का गुट बोलिया करते, इस लोकसभा इलेक्शन के अंदर भी दुष्यंत चौटाला का उकलाना गुट बोलिया करते, इस गुट को इन गोयल साहब ने तोड़ना काम कराया, वास्तव में आपने सिद्ध कर दिया जी उकलाना विषमता में। आप देखिए विषमता मैं की उपाधि बहुत बड़ी है, मैं तो पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ, अनेक वर्षों से 40-45 साल से पार्टी का काम कर रहा हूँ, पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी तो उसको निर्वाह कर रहा हूँ। ये जो सारा करिश्मा था माननीय मोदी जी का, हर आदमी जी किसी कहते भी वोट देना, हम तो मोदी जी को वोट देंगे। और सोने में सुहागा हो गया चौधरी बिजेंद्र सिंह, पढ़ा लिखा IAS की नौकरी छोड़ करके आया और उसको कैंडिडेट बना दिया, ये सोने में सुहागा हो गया। जनता ने खुशी मन से लहर के अंदर खूब झूमते हुए वोट डाले हैं और हमें अंदाजा नहीं था कि जिस विधानसभा से हम 2014 में 37,000 वोटों से आ रहे थे, पिछले विधानसभा में 18,000 वोटों से आ रहे थे, आज जनता उलटपुट करके 20,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जीता है। गोयल साहब एक बात और बताओ, सिरसा सीट है ना बिल्कुल पेश फजरिया था इलेक्शन अनुमान लगाओ थे भाई, सुनीताduggal कड़ियन के इलेक्शन तो पहले ही बात करा, जब चुनाव शुरू हुए सुनीताduggal पाछा मानने की, फिर अशोक तंवर आगे महेंद्र दुबे, अशोक तंवर सिरसा सीट निकाल सके आपको प्रभारी लगाया गया, आपने ऐसा के खेल करा उल्ट फेर हो गए सब कुछ। देखिए वहाँ पर कार्यकर्ता तो 3 जिला प्रधान थे, जींद का जिला प्रधान, फतेहाबाद का जिला प्रधान, सिरसा का जिला प्रधान और सारी टीम कंधे से कंधे मिला करके लगी। और सुनीताduggal भी पढ़ी लिखी सभ्य महिला है, उनसे प्रभावित होकर के मोदी जी की लहर में और हमारा प्रबंधन रहा, प्रबंधन के रास्ते हमने काम किया, उसमें भी हम सोचते थे भी हम 1-1.5 लाख वोटों से जीतेंगे तो वो भी 3 लाख से ऊपर वोट जीते हैं। इसका मतलब ये है कि मोदी जी का काम मनोहर लाल जी का काम के ऊपर प्रभावित होकर लोगों ने वोट दिया। गोयल साहब आपने लाल कृष्ण अडवाणी के साथ काम कराया, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम कराया, अरे नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करने लगे, उसका क्या गुरु सिखाया गया आपने भी उकलाना में भी बदल कर रख दिया सब कुछ? देखिए उन्होंने जो हमारे को तकनीक सिखाई, बूथ मैनेजमेंट, बूथ मजबूत तो सब कुछ मजबूत, बूथ जीता तो चुनाव जीता, हमने पन्ना प्रमुख लगाए, ये अटल जी की, अडवाणी जी की और मोदी जी और अमित शाह जी की ये सारी बातें सिखाई बड़ी कार्यकर्ताओं को, पन्ना प्रमुख में काम करके हमने सारा गढ़ जो लोकदल के तोड़ दिए, कांग्रेस का कोई सिपाही बचा ही नहीं, कांग्रेस का अध्यक्ष हार गया, कांग्रेस का मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री आगे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हार गया, उसका बेटा हार गया, शैलजा हार गई, किरण चौधरी हार गई, कैप्टन अजय यादव हार गया, कांग्रेस में कोई बचा नहीं और बाकी जो लोकदल और प्रलोकदल का उनका कहना है कि उनका तो कहीं नामो निशान नहीं है। गोयल साहब एक बात हो रही है में ना, दुष्यंत चौटाला जो विपक्ष के थे, बीजेपी के विपक्ष के थे सांसद थे, उकलाना हल्का बात करें तो नोबदाना का MLA है, उसके बावजूद विकास तो बहुत कराए भाजपा ने, लेकिन ईब तो भी जो सांसद है वो बीजेपी का बन गया, लीड भी उकलाना हल्का ने अब तक जबरदस्त दे दी 3,500 की, काम का दबाव भी बढ़ा, किस तरह विकास कराओगे? देखिए विकास तो हमने पहले भी कराए हैं, जब मनोहर लाल जी यहाँ आए और कॉलेज की हमने घोषणा की तो इन लोगों ने तो जब भी खिल्ली उड़ाई थी, अनूप धारक ने जो लोकदल का विधायक था उन्होंने कहा कैसा कॉलेज बनना है, नगर पालिका में वोट लेने हैं, हमने बार बार चैलेंज किया जाके अनूप धारक दे गए, कॉलेज भी बन गए, क्लासें भी शुरू हो गई। अब जो हम अपने दुष्यंत चौटाला जी ने जो विकास कार्य कहे वो कोई पानी का टैंकर फलाना ये मामूली बातें थी, किंतु अब जो विजेंद्र सिंह
और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ब्रजेंद्र सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हरियाणा विधानसभा का सर्वमुखी विकास करेंगे। विधानसभा के 3 महीने रह गए, जिस तरह आपने लोकसभा में पूरा झंडा बुलंद कर दिया पूरे हरियाणा में, तो हरियाणा विधानसभा में कितनी सीट का टारगेट लेकर चल रहे हो? देखिए, आने वाले समय में मनोहर लाल जी जैसे योगी तपस्वी मुख्यमंत्री दोबारा बने, इसके लिए हमने कार्यकर्ता से कहा भी जंगी घोड़े मैदान में ही रहेंगे, मैदान में लड़कर के अगली लड़ाई लड़ेंगे। अब हमारा नारा था फिर एक बार मोदी सरकार, अब हमारा नारा है फिर एक बार मनोहर सरकार प्लस 70 सीटें जीतकर मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया। आपने देखे हुए बीजेपी की जीत पर उकलाना में जबरदस्त दर्शन है, और श्रीनिवास गोयल का नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता पूरे गदगद है, बेरंग फूल बरसाने लग रहे हैं, लड्डू बांटने लग रहे हैं। आपका अपना पत्रकार पासाराम दत्तवाल उकलाना।